अब लोगों ने महाराज बना दिया, महाराज है महाराज है। कोई साधु संत नहीं हूँ मैं, कोई महात्मा नहीं, कोई महापुरुष नहीं होता है। ये तो मैं फैशन के रूप में, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। आप देखते होंगे संत लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते जरी के। ढोंगियों को मोदी जी के नए भारत में महंत और महाराज की उपाधि मिल जा रही है दोस्तों, जिनकी असलियत ये है कि वो किसी गली का गुंडा है, छपरी है या लफंगा है। हम बात कर रहे हैं काली चरण की, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे चुका है भरी सभा में, और उसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी भी हुई। और उसी काली चरण के लिए हिंदू संगठनों की सेना, साथ ही कुछ तथा कथित राष्ट्रवादियों की सेना ने मोर्चा खोला हुआ है कि उसको जल्द से जल्द रिहा करो। उसे महाराज कहकर बुलाया जा रहा है, पर उस काली चरण की असलियत क्या है दोस्तों, यह असली में है क्या, उसका खुलासा हो गया है, जो आपको आज की इस खबर में हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची। दोस्तों, महात्मा गांधी को गाली देने वाला कालीचरण कोई बाबा बाबा नहीं है, कोई बाबा बाबा नहीं है, कोई संत महाराज नहीं है, बल्कि एक लुच्चा लफंगा टपोरी है। मैं जानती हूँ कि ये शब्द मीडिया एथिक्स के बाहर है, लेकिन आम बोलचाल में अगर आप कालीचरण को डिफाइन करेंगे, कालीचरण के बारे में बताएंगे, उसका चरित्र बताएंगे, तो इन शब्दों से उसे नवाजा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और वो क्यों, आपको बताते हैं। कालीचरण की काली करतूत आपको दिखाते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको शकील पटेल का ट्वीट इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि ये पाखंडी कालीचरण खुद को संत बुलाता है। ये संत नहीं, महाराष्ट्र के अकोला जिले का गली मोहल्ला लेवल का नेता है। यह आदमी 2017 में पार्षद का चुनाव लड़ा, इसके वार्ड वालों ने 704 वोट देके इसकी जमानत जब्त कराई थी। क्या अब ये भारत को गांधी के बारे में बताएगा? तो यहाँ कालीचरण की पोल खुल गई, और ऐसी पोल खुली है कि फिर अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, और हो सकता है जेल से बाहर आए भी ना। ये शख्स असली में कोई महाराज या बाबा बापा नहीं है, ना ही कोई संत महंत है, बल्कि एक मोहल्ला छाप नेता है, जिसने जो पार्षद का चुनाव लड़ा उसमें भी हार गया। ना सिर्फ हारा, बल्कि इसकी जमानत भी पूरी तरीके से जब्त हो गई। स्क्रीन पर कालीचरण की एक फोटो इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों, जो शकील पटेल ने यहाँ पर शेयर की है, और इसमें साफ सीधा आप देख पा रहे होंगे, इस फोटो में आपको जिम नजर आ रहा होगा, जिम जहाँ कसरत की जाती है। ऐसा लगता है जैसे पाखंडे बाबा जी जिम में कसरत करते हैं। संत महंत तो दुनियादारी से उनको तो शायद कोई मतलब होता नहीं है, यहाँ संत महाराज जिम में कसरत कर रहे हैं। वहीं दूसरा स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर, जो शकील पटेल ने शेयर किया है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कालीचरण, जिसका पूरा नाम है सराग कालीचरण धनंजय, जिस नाम से इसने चुनाव लड़ा था, और जिसने 2017 में पार्षद पद का चुनाव लड़ा, जिसमें नकली संत को सिर्फ और सिर्फ 704 सीटें मिली और जमानत जब्त हो गई 16। नकली महाराज जी की जमानत जब्त हो गई, बस पिटते पिटते बचे थे। ऐसे संतों महंतों को महाराज जी सिर्फ बीजेपी नेता ही कह सकते हैं, या हिंदू संगठन के लोग ही कह सकते हैं, इनके अलावा कोई कह भी नहीं सकता दोस्तों। पर जानकर आपको हैरानी होगी कि कालीचरण कोई महाराज वहाराज नहीं है, कोई महाराज वहाराज नहीं है, कोई संत महंत नहीं है। ये बात खुद कालीचरण ने एक चैनल पर कही है। जी हाँ, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से कालीचरण ने एक चैनल को बताया कि वो संत वाले कपड़े तो बस फैशन के लिए पहनता है, सिर्फ फैशन के लिए पहन लेता है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे और इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो अब लोगों ने महाराज बना दिया, महाराज है महाराज है। कोई साधु संत नहीं हूँ मैं, कोई महात्मा नहीं, कोई महापुरुष नहीं हूँ, लेकिन लोग ऐसे कोई वेशभूषा अलग ही कुछ रूप दिखता है। ये तो मैं फैशन के रूप में, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। आप देखते होंगे संत लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते जरी के। जी, तो कपड़े अच्छे लगते हैं, ये साहब कोई संत वंत नहीं है, कोई महाराज नहीं है, कपड़े अच्छे लगते हैं तो कपड़े डालकर महाराज जी ये बन गया। हैरानी तब होती है दोस्तों जब पता चलता है कि ये पाखंडी इतना कुछ कह रहा है, पहले भी कह चुका है, पूरी तरीके से पहले भी इसकी असलियत बाहर आ चुकी थी, टेलीविजन पर आकर ये इतना कुछ कह गया, फिर भी ये अभी तक जेल में नहीं था, ये बाहर था, इसलिए महात्मा गांधी को अपमानित कर पाया। पर जब इसके मुंह से महात्मा गांधी के लिए गंध निकला, तो असलियत सामने आई कि भाई पाखंडी है जिसको महाराज बना दिया गया है, इसलिए इसको जेल में डाल दिया गया। अब आपको हमने सबसे पहले भी दिखाया कि कालीचरण एक मोहल्ले का छोटा सा नेता है, मोहल्ला छाप नेता है, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। साथ ही आपने ये वीडियो भी देखा, जिसमें उसने खुद कबूल किया है, खुद स्वीकार किया है कि वो कोई महाराज वहाराज नहीं है, पसंद आता है, फैशन के लिए कपड़े पहन लेता है। ये सब देखने के बाद तो हिंदू संगठनों को या हिंदू समाज के लोगों को गुस्सा आना चाहिए, उनको गुस्सा आना चाहिए, और छत्तीसगढ़ सरकार को शाबाशी देनी चाहिए कि इतने ढोंगी महंत को, जो महंत है भी नहीं असलियत में, उनको पुलिस ने इस ढोंगी को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन ये लोग सड़क पर कालीचरण को रिहा करने के लिए धरना देते हुए दिखाई दिए हैं, नजर आए हैं। अब हो सकता है ये वीडियो पहले आपने देखा हो, जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन फिर से रिकॉल करवाने के लिए वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि हिंदू संगठन की जो सेना है वो किस तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठी है। वीडियो देखिए। Thank you.
कालीचरण को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ कि उसको छोड़ो। पुलिस के सामने हिंदू संगठनों ने कहा कि कालीचरण ने जो कहा है वो सही था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए उसको रिहा कर देना चाहिए। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, विजय संत श्री कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी के विरोध बाबत माननीय राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी, संत श्री कालीचरण जी महाराज ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित संत सम्मेलन में जो भी कहा है, हम संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से उसका समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पिता खुद हिंदू विरोधी हैं। वह हिंदू देवी देवताओं को दिन रात गाली देता रहता है, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, हमेशा हिंदुओं के विरोध में कार्य करती है। कांग्रेस हमेशा हिंदू संतों को बदनाम करती है, हिंदू धर्म का तिरस्कार करती है, भगवा आतंकवाद भी हिंदुओं के खिलाफ ही कांग्रेस ही करती है। इसी प्रकार संत श्री कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार करके हिंदू संतों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से श्री कालीचरण जी महाराज पर जानबूझकर राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया है। भारत के संविधान ने कहीं भी नहीं लिखा है कि गांधी राष्ट्रपिता है, फिर गांधी को क्यों हमारे ऊपर देश पर जबरन थोपा जा रहा है। यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह किसे अपना आदर्श मानते हैं। हम वीर भगत, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर। तो हिंदू संगठनों का कहना है कि कालीचरण एक महाराज है, संत है, और हम उनकी गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इसका साफ मतलब है ना दोस्तों कि जो गोडसेवादी हो उसे अगर आप महात्मा गांधी जी का समर्थन और गोडसे का विरोध करने के लिए कहेंगे तो वो करेगा? लगता है आपको? नहीं करेगा, नामुमकिन है। हिंदू संगठनों में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो खुलकर कालीचरण के समर्थन में उतरे, खुलकर उन्होंने कालीचरण का समर्थन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस अपने स्टैंड पर अभी भी अडिग है। उनका कहना है कि इनको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं कालीचरण को। ये तथाकथित हिंदुओं की सेना जमकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पुलिस का विरोध कर रही थी, उनके पुतले फूके जा रहे थे, लेकिन कालीचरण अभी तक जेल की सलाखों के पीछे ही है, और इसे ही हमारे देश का संविधान कहा जाता है। वहीं कालीचरण के बाद अब यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है दोस्तों, और कितनी तादाद में लोग सड़कों पर आकर ये मांग करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको हम ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब वसीम रिजवी की भी गिरफ्तारी पक्की है। ये वीडियो देखिए। आश्वासन चाहिए जिन्होंने मुसलमानों को खतरे करने की कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंहानंद क्यों नहीं हो सकता, अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं तो जुलम कर रहे हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना, आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के उसको ऐसे मुलाकात करा जैसे उसका बहनों। नहीं, आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए। अच्छा तो हमारे नदी के खिलाफ सब बोले, हम सब बोले उसके खिलाफ। नहीं, बिल्कुल आप कुछ नहीं सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा, नहीं गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही, मैं उनकी बातें क्यों नहीं पकड़ रहे आप? हम आपके दरवाजे देखो है, हम आठ उड़ाएंगे। मैडम को गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, कह रहे हैं यूं वैसे कह रहे हैं, अच्छा कर रहा है सही। देखो आप भाई हैं हमारे, हम आपका बड़ा इकराम करते हैं सर। तो इस वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि वसीम रिजवी जो कि सनातन धर्म अपना चुका है, और यति नरसिंहानंद गिरी जो आए दिन गांधी जी को लेकर और मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम महिलाओं को भी गाली देता है, उन्हें अपमानित करता है, ऑन कैमरा गाली देता है, उस नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। क्योंकि कालीचरण ने महात्मा गांधी को गाली तो दी, वो इस वक्त जेल में है, कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर नरसिंहानंद जो रोज मुस्लिमों को, मुस्लिम धर्म को गाली देता है, उनकी महिलाओं को गाली देता है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल है। और धर्म संसद जो कि हरिद्वार में आयोजित किया गया था, उस धर्म संसद में जितने भी पाखंडियों ने एक समाज को गाली दी थी, उनका सफाया करने की बात कही थी, वो जेल की सलाखों के पीछे अभी तक क्यों नहीं है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। उनको कब जेल में डाला जाएगा? क्यों उत्तराखंड पुलिस इतना ज्यादा घटिया रवैया अपना रही है? क्या बताएगी बीजेपी शासित उत्तराखंड की सरकार, या फिर ये समझ लिया जाए कि भाई ये सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि देश की सत्ताधीन पार्टी इन ढोंगियों और पाखंडियों का समर्थन करती है जो मोहल्ला छाप नेता हैं और फैशन के लिए कपड़े पहन लेते हैं और संत महंत बन जाते हैं? ये सवाल सीधा देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मोदी सरकार के हर उस मंत्री से है जो इस तरह के पाखंडियों की हरकतों पर इस वक्त मौन है, जिनके मुंह में दही जमी हुई है, चुप है, खामोश है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची।